मुझे अच्छा क्या लगा बाइक के अंदर, फर्स्ट चीज़ ये है इसका रिफाइनमेंट। आपको 110 तक आपको बाइक के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। नॉर्मली वाइब्रेशन जो आते हैं ना वो आते हैं फुट पैक्स पे, लेकिन हैंडल के ऊपर आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। ये तो एक पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ है कि इवन एट 110 स्पीड बाइक बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रही है। मतलब जब आप बाइक को रेव करते हो तो आपको लगता है कि इंजन थोड़ा स्ट्रेस ले रहा है, तो वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हमारे पास है हीरो के एक्सट्रीम आर। आपने इसका स्पीड देख लिया होगा, मैं अचीव कर पाया 115 किलोमीटर पर आवर, 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर मुझे 2-3 किलोमीटर और मिल जाता तो प्रोबेबली शायद 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैं अचीव कर सकता था। आपको मैं इसका एक वॉक अराउंड देता हूँ, एंड स्पेशली मुझे ये वाला जो कलर स्कीम है ये बहुत अच्छा दिखता है। तो ये जो हेडलाइट आपको दिख रही है, हीरो की कोई भी बाइक में ऐसी वाली हेडलाइट नहीं आती है, तो ये ऑल न्यू हेडलाइट है। ये कंप्लीट LED है, यहाँ पे आपको DRLs भी मिलते हैं। मैं आपको एक बार इसका इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं DRLs यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है, कंप्लीट LED है। कुछ जो इंडिकेटर दिख रहे हैं वो भी LED दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर्स है। यहाँ पे हीरो का नाम लिखा है, H यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कुछ विंडशील्ड वगैरह नहीं दिया गया है। एंड अगर आप ये तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया है रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन के साथ। सामने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको व्हाइट कलर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फिट एंड फिनिश का थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन बाकी अगर आप पेंट की क्वालिटी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर इसके अंदर दिए गए हैं आपको। यहाँ पे ABS लिखा है, ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। सामने का जो डिस्क है इसका साइज है 276 mm। इसका जो सस्पेंशन है ये है टेलीस्कोपिक, 37 mm का सस्पेंशन है। अगर मैं ये कंपेयर करूं इसके कंपटीटर्स के साथ जैसे 150cc या 160cc, तो मेरे हिसाब से जो FZ एंड जिक्सर, यामा का जो FZ है जिक्सर में आपको 41 mm का सस्पेंशन है वो मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है 37 mm का। ये ब्रेक सिस्टम कौन सी कंपनी का दिया है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। सामने का जो टायर दिया गया है उसका साइज है 100x80, 17 इंच का MRF का ट्यूबलेस टायर है। अगर आप एलो व्हील्स को देखेंगे यहाँ पे एक रेड कलर का स्ट्राइप्स दिया गया है, एलो व्हील्स को पूरा ब्लैक आउट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कैटलिक कन्वर्टर, ये है 163cc का इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड प्रोग्राम्ड FI। इसका जो पावर है वो है 15 bhp, इसका टॉर्क है 14 Nm। ये एयर कूल्ड इंजन है, इसमें आपको लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता है, इसमें आपको ऑयल कूलर भी नहीं मिलता है, मतलब ऑयल कूल्ड इंजन भी नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे आपको दिया गया है किक थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको मैच करेंगे ये कलर और ये कलर के साथ तो थोड़ा मैच करता है। यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI लिखा है, ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको फुटपैक्स दिए गए हैं। तक अगर मैं बात करूँ फिट एंड फिनिश की, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि फिट एंड फिनिश पे हीरो ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। एग्जॉस्ट की आप देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छी शेप दी गई है, यहाँ पे आपको हीट शील्ड दी गई है, नीचे आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया गया है। अगर आप गलती से इसके ऊपर पैर भी रखते हैं तो ये गर्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको टच कर पा रहा हूँ। पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पे 160R लिखा गया है। पीछे का अगर मैं टायर बताऊँ तो आपको टायर का साइज़ है 130x70, 17 इंच का टायर है। टायर उतना पतला नहीं है, इसके अंदर आपको रेडियल टायर दिया गया है। रेडियल टायर से क्या होता है, आपको ग्रिप अच्छा मिलता है, सिटी राइड आपको अच्छी मिलती है। पीछे की तरफ आपको दिया गया है डिस्क ब्रेक, लेकिन पीछे आपको ABS नहीं मिलता है। फिर से आपको बता दूं कि ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। इसमें दो वेरिएंट है, एक आता है सिंगल डिस्क के साथ, दूसरा आता है डबल डिस्क के साथ। पीछे का जो डिस्क है इसका साइज है 220 mm। आप ये साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है साड़ी गार्ड, और चेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ढकी हुई है, नीचे से एकदम से ओपन है, तो आपको इसमें ओपन चेन मिलती है। आपको जब मैनुअल मिलता है उसके हिसाब से आपको इसका मेंटेनेंस करना है। इसका जो गियर है वो टॉप शिफ्टर है, टो एंड हील जो रहता है आपको हीरो की दूसरी बाइक्स में जो मिलता है जैसे 110 या 125cc की बाइक्स में, वैसा वाला नहीं है, इसके अंदर आपको शिफ्टर है। और ये आती है 5-speed गियरबॉक्स के साथ, यहाँ पे हीरो का नाम लिखा है। आप इंजन को ये साइड से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हॉर्न दिया गया है, सिंगल आपको हॉर्न इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम लिखा है, और आपको एक बार दूर से बाइक दिखा देता हूँ। तो अब बात करते हैं सीट के बारे में, तो सीट आप देख सकते हैं ये सिंगल सीट है, इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। तो राइडर की सीट थोड़ी नीचे है, एंड जो पिलियन है उसकी सीट थोड़ी ऊपर है। इसकी जो सीट हाइट है वो है 790 mm। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट 5.5 प्लस है, अगर आपकी हाइट 5.5 है, तो आप ये बाइक को आप आराम से चला पाओगे। ये पेट्रोल टैंक की साइज है 12 लीटर, तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक इसका है। इसका जो माइलेज है मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से बाइक का पावर है तो आपको 45+ माइलेज मिल जाना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप हर गियर पे रेड लाइन हिट करते हैं तो आपको माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप सिटी में चलाओगे तो 45+ का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। फिर से आपको बता दूं कि 12 लीटर का पेट्रोल टैंक इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे एक्सट्रीम 160 का स्टिकर दिया गया है। इसके अंदर दो वेरिएंट है, एक सिंगल डिस्क के साथ है और दूसरा डबल डिस्क। जो मेरे पास अभी
हैवी बाइक है ये, है डबल डिस्क के साथ। तो इसका जो वेट है वो है 139.5 किलो। अगर आप सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो 138.5 किलो का वेट होगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm है। एक चीज और आपको बता दूं कि मैंने ये बाइक को पिलियन के साथ भी चलाया है, लेकिन जितने भी स्पीड ब्रेकर्स है बिल्कुल भी टच नहीं हुई। मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि बाइक नीचे टच हो जाएगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस बाइक का काफी अच्छा है। बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2029 mm। बाइक का जो विड्थ है वो है 793 mm और इसका जो हाइट है वो है 1052 mm, जो ओवरऑल बाइक का हाइट है। फिर से आपको बता दूं कि सीट हाइट है 790 mm। बाइक का जो व्हील बेस है वो है 1327 mm। ये जो टेल लाइट है ये ऑलरेडी स्मोक्ड है। आप ये लाइट अभी देखेंगे तो आपको एकदम से क्लीन दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैं ये टेल लाइट बंद करूंगा तो एकदम से कंप्लीट ब्लैक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हीरो ने ये बाय डिफॉल्ट इसको स्मोक करके दे दिया गया है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एच यहाँ पे लिखा हुआ है, हजार्ड लाइट है उसको मैंने ऑन करके रखा है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, यानी बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है। और जब भी आप लॉन्ग राइड कभी करते हैं, नाइट में राइड करते हैं, जब मौसम वगैरह ख़राब होता है वो टाइम पे आप ये फोर वे इंडिकेटर और आई कैन से दी हजार्ड लाइट आप यूज़ कर सकते हो। पीछे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। ये जो सिस्टम कंट्रोल आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा और अच्छा है भी, लेकिन जैसा आपको ये दिखता है उतने फीचर्स इसके अंदर है नहीं। आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट डिजिटल स्पीडो कंट्रोल मिलता है, मतलब सिस्टम कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, अगर मैं साइड स्टैंड नीचे करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक लाइट जलती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो बाइक का साइड स्टैंड नीचे है आप इसको बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी बाइक गियर में है। वैसे अगर आप साइड स्टैंड ऊपर नहीं करोगे तो बाइक का इंजन है वो कट ऑफ हो जाएगा। बाजू में आपको इंजन मालफंक्शन की लाइट दिखाई गई है। यहाँ पे आप हाई बीम का इंडिकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिकेशन मिलेगा इंडिकेटर का। यहाँ पे ABS की लाइट है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको टैकोमीटर दिया गया है, इसमें आपको 11,000 RPM बताता है, लेकिन बाइक मेरे हिसाब से रेड लाइन करेगी 9,500 RPM पे। यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है, ऑडोमीटर की रीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो फ्यूल इंडिकेशन आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको देखेंगे तो ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी, दो आपको ट्रिप मीटर दिए गए हैं एंड बाकी इसके अंदर आपको और कुछ मिलता नहीं है। इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलता नहीं है। बाइक आती है 5-speed गियर बॉक्स के साथ। तो अगर आप सिटी में चलाते हैं, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप कौन सी गियर में हो तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, लेकिन हीरो ने गियर पोजीशन इंडिकेटर इसके अंदर नहीं दिया है। ऐसी इसकी आपको की मिलती है, एच यहाँ पे लिखा है, आपको दो कीज मिलते हैं कंपनी की तरफ से। सिंगल हैंडल बार इसमें दिया गया है आपको, और जो राइडिंग पोस्चर है, सीटिंग पोस्चर है वो एकदम से अपराइट है, आपको ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पास का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट ऑन करने का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर ऑन करने का स्विच दिया गया है। और ये जो क्वालिटी है मुझे ओके लगी। आपको आवाज भी शायद अभी सुन रही होगी, तो क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ओके लगी। लेकिन ये जो सिस्टम है ये काफी अच्छा लगा मुझे। अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको फिर राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ये बटन को दबाइए अपने आप बंद हो जाएगा। फिर आप राइट का इंडिकेटर यूज करते हैं, बटन दबाइए अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इसका हॉर्न है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ एंड इंजन स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बाइक गियर में है। तो एक बार मैं गियर निकाल देता हूँ, जैसे मैं गियर निकालूंगा न्यूट्रल में करूंगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन दिख जाएगा। बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं, तो आपको इसका एग्जॉस्ट नॉट भी सुना देता हूँ। आई होप आपने गौर किया होगा, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी स्मूथ है। अब आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने राइड करने के टाइम पे इसके अंदर क्या फील किया। ये बाइक का जो इनिशियल पुल है मुझे ओके लगा, लेकिन इसका मिड रेंज बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि फोर्थ गियर में बाइक 100 क्रॉस कर लेती है। इनिशियल RPM में मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं आया, मिड रेंज मुझे कोई भी वाइब्रेशन नहीं आया, लेकिन टॉप एंड जो होता है 105 110 की स्पीड के बाद में मुझे थोड़े बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ आते हैं फुटपैक्स पे, हैंडल पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं। अगर आप 100-110 की स्पीड तक चलाते हैं तो आपको वाइब्रेशन थोड़े बहुत वो सिर्फ फुटपैक्स पे आएंगे, आप आराम से क्रूज कर सकते हैं। हाईवे पे आप ये बाइक पे 90-100 इजीली मेंटेन कर सकते हो। स्पीड है 0-60 वो मिलती है आपको 4.7 सेकंड में, और वो 4.7 सेकंड मुझे लगता है कि RTR 164V से भी फास्ट है। हीरो की जो बाइक्स है ना, अगर आप कोई भी बाइक उठाओगे जैसे 100cc की, 110 की, 125 की, तो इनका जो पावर है थोड़ा आउटपुट कम होता है, लेकिन हीरो ने ये बाइक को अच्छे से पावर आउटपुट के साथ लॉन्च किया है। 15 BHP का पावर मिलता है, तो मुझे लगता है कि सबसे कम पावर ये सेगमेंट में FZ का है, यामा का, एंड सबसे ज़्यादा पावर रहेगा NS160 एंड RTR 160। तो ये दोनों के साथ इसका कंपटीशन हो सकता है। प्राइस आपको पड़ेगा अराउंड 1,26,000 ऑन रोड हैदराबाद। मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई इसके गियर बॉक्स में, तो जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो एक क्लिक साउंड आता है, और वो क्लिक साउंड नॉर्मली तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि
जब मैं शिफ्ट कर रहा था सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जो मुझे क्लिक साउंड आ रहा था जो कभी कभी इरिटेट करता है, जब आप सेकंड गियर में शिफ्ट करते हो या फिर थर्ड गियर में जैसे शिफ्ट करते हो, वो टाइम पे आपको जब पिकअप लेते हो, जैसे वापस क्लच आप रिलीज करते हो, तो वो टाइम पे बाइक थोड़ा धीरे पिकअप ले रही थी। पीछे का सस्पेंशन जो है वो है मोनोशॉक सस्पेंशन, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। 7-स्टेप प्री जो एडजस्टेबल ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं, आप उसको आराम से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मोनोशॉक सस्पेंशन है, आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल ऑप्शन दिए गए हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बता दूं कि सस्पेंशन सेटअप बहुत ही अच्छा है, अगर आप पिलियन के साथ भी राइड करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ना ही बाइक जब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेके जाते हैं तो बाइक टच नहीं होने वाली है। सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है बाइक का, 90 से लेकर 100 इसका इजी और सेफ क्रूजिंग स्पीड हो सकती है हाईवे पे। आप एक बार टेस्ट राइड बाइक का लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि बाइक पे जो बैठने के बाद में आपको कंफर्ट आता है ना, ट्रस्ट में एक अलग लेवल का है, आप एक बार जब टेस्ट राइड लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक चीज़ यहाँ पे और गौर की है, यहाँ पे आपको इंजन गार्ड नहीं मिल रहा है, एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इंजन बैली जो गार्ड रहता है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो शोरूम्स की तरफ से एक्स्ट्रा एक्सेसरीज या फिर बाइक के साथ आपको लगा के दिया जाएगा, बिकॉज ये टेस्ट राइड व्हीकल है तो इसके अंदर यहाँ पे लगाया नहीं गया है, तो वो डिटेल्स आपको शोरूम के अंदर मिल जाएंगी, आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जब कोई बाइक का किक स्टार्ट निकाल देता है तो वो टाइम पे क्या इशू आएंगे बैटरी के साथ या फिर नहीं, तो आपको बता दूँगी अगर आप बैटरी का मेंटेनेंस ऑन टाइम करोगे तो कोई इशू आपको नहीं आएगा। वैसे आपको बता दूँगी अगर ये वाली अगर बाइक ले रहे हो तो आपको किक स्टार्ट मिलता है, आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको पता है कि हीरो के इंजन लॉन्ग लाइफ होता है, रिलायबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन दीज इंजन्स आर नॉट फॉर समवन हु लव्स द स्पीड, मतलब अगर आपको टॉप स्पीड मारना है तो ये इंजन आपके लिए नहीं है। हालांकि 100 से अगर 120 तो मैक्सिमम आप मार सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे आगे बाइक जाएगी। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, आप एक लाइक करोगे मैं फिर से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइक प्रकाश चौधरी, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, आपका कोई भी सवाल है आप वहाँ पे मेंशन करके मुझे भेज सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है उसके ऊपर का ऑप्शन जो आता है ना शो ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।